नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया, लेकिन दिल्ली एनसीआर में एसएम न्यूज ने कुछ अलग ही अंदाज में मनाया। जन्मदिन पर सभी बच्चों ने बहन जी का फेस कट पहनकर और केक काटकर समारोह का शुभारंभ किया। इस पावन मौके पर परम समाज सेवी राजवीर सिंह जी ने और एसएम न्यूज डायरेक्टर सुरेंद्र सिंह जी ने मिलकर सभी बच्चों को गर्म कंबल, स्कूल बैग्स और लंच बॉक्स देकर सम्मानित किया। बहुजन समाज के सभी कलाकार और गायककार जैसे शशिभूषण जी, विजय सैनी, अनन्या और मैत्री सिंह, प्रियांशु गौतम ने इस समारोह की शोभा बढ़ाई। साथ ही वरिष्ठ नागरिक, नवयुवक महिला, नन्हे मुन्ने बच्चों ने इस समारोह में अपना योगदान दिया। इस पावन मौके पर राजवीर सिंह जी ने बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के बारे में बताई कुछ वो बातें जिन्हें पूरा देश जानना और सुनना चाहता है। कुछ ऐसे 64वां जन्मदिन मना रहे हैं, उस सबकी आप सबको बहुत शुभकामनाएं। और आज जन्मदिन का मौका है और वो भी बहन जी का जन्मदिन है, इसलिए मैं लिख के लाया हूँ। क्योंकि सब जानते हैं कि बहन जी किस विचारधारा में विश्वास रखती हैं, तो जन्मदिन पे कोई ऐसी त्रुटि ना हो जाए कि बहन जी को लगे कि मेरा जन्मदिन ना मना के वो कोई पार्टी का कार्यक्रम कर रहे हैं। उनसे किसी ने पूछा कि आपने नीला झंडा और हाथी निशान क्यों लिया, तो माननीय साहब ने कहा कि साहब मेरे को नहीं पता, नीले झंडे का और हाथी निशान दोनों का ही मेरे को नहीं मालूम है कि इसका मीनिंग क्या है, लेकिन मेरे को इतना मालूम है कि ये बाबा साहब ने नीला झंडा और हाथी निशान लिया था, वो उन तक का काम था। मेरे को इस मूवमेंट को से आगे ले जाना है, ये उन्होंने क्यों लिया ये मैंने नहीं सोचना है, उन्होंने लिया इसलिए ये मेरे को चाहिए। वही सोच बहन जी लेके चलती है समाज में कि जो काम माननीय साहब तक हो गया उस काम को ना करके उससे आगे मूवमेंट कैसे बढ़े, बहुजन समाज आगे कैसे बढ़े, बहुजन समाज के हितों की रक्षा आगे कैसे हो, वो निरंतर उसके लिए काम करती है। समाज में बहुत जगह जाते हैं, आप सब भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, एक अमूमन बात उठ के आती है सामने कि जब बहन जी जो है वो लोगों से मिलती नहीं है, बहन जी से मिलना आसान काम नहीं है, सारे नेता जो है वो सड़क पे घूमते हैं, माननीय बहन जी कभी भी पब्लिक में आती नहीं है, पब्लिक में जाती नहीं है, उसका गलत मैसेज जाता है, ऐसा कौन कहता है, हमारे बहुजन समाज के लोग कहते हैं। लेकिन बहुजन समाज के लोगों को यह बात याद रखनी चाहिए कि जब माननीय साहब कुर्सी से उठ के और जब बेड पे आ गए थे तो सिर्फ बहन जी थी जिसने पूरे मूवमेंट को सड़क पे नहीं, गड्ढों में चल के, खेतों में चल के और उस मूवमेंट को पहुंचा के और उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल करी। ये बात सबको याद रखनी चाहिए। आज अगर बहन जी को सड़क पे घूमना है सत्ता के लिए, तो मेरे को नहीं लगता कि बहुजन समाज जो काम करता है, जो बाबा साहब के जन्मदिन मनाते हैं, माननीय साहब का मनाते हैं, और भी बहुजन मूवमेंट के बहुत सारे काम करते हैं, वो काम करते हो करने चाहिए। इसलिए समाज को ये बात समझना चाहिए कि हमारी एक सिर्फ सर्वमान्य नेता है वो बहन कुमारी मायावती, वो किसी स्पेशल जाति या धर्म की नेता नहीं है, वो हर उस आदमी की नेता है जो अम्बेडकरवाद में विश्वास रखता है, हर उस आदमी की नेता जो अम्बेडकरवाद में विश्वास रखता है, जो उस मूवमेंट में विश्वास रखता है, जो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, उन सब की सिर्फ एक नेता है, सिंगल नेता है इस देश में जो ऐसा करती है। उनको मालूम था, बहन जी को बहुत अच्छे से मालूम था
कि जब हम ये महापुरुषों के जो काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, जो इतने में स्मारक बना रहे हैं, इससे हमारी सरकार चली जाएगी। बहन जी को ये मालूम था कि ये काम जब मैं करूंगी तो आगे मेरी सरकार रिपीट नहीं होगी। अगर उनको अपनी कुर्सी का लालच होता, जैसा कि अमूमन समाज में चलता है, अगर उनको कुर्सी का लालच होता, अगर उनको सत्ता की लालच होती जरा सी भी, तो मेरे को नहीं लगता कि उनको इतने इतने बड़े स्मारक बनाने चाहिए थे, जबकि उनको मालूम था कि मेरी सत्ता चली जाएगी। लेकिन उन्होंने सत्ता को दरकिनार करके, अपनी कुर्सी को दरकिनार करके और महापुरुषों के नाम से इतने इतने बड़ा स्मारक इसलिए बनाए कि बहुजन समाज में जोश आ सके, ताकत आ सके और अपने महापुरुषों के बारे में जान सके कि हमारे महापुरुष कौन है, और पूरा देश और समाज और पूरी दुनिया जान सके। जब स्मारक बने उत्तर प्रदेश में, उससे पहले आप यकीन से बताइए कि कितने लोग हैं जो महापुरुषों की जीवनी के बारे में जानते हैं। इस देश में कौन जानता था महापुरुषों की जीवनी के बारे में? पूरा बहुजन समाज भी नहीं जानता था। लेकिन बहन जी ने वो ताकत दी आप लोगों को, हम लोगों को, पूरे देश को वो ताकत दी कि बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं, वो भी इसी देश के महापुरुष हैं, उन्होंने सामाजिक कार्य ऐसे करे हैं कि उनके इतिहास के बारे में देश का बच्चा बच्चा जानना चाहिए। तो अपने हक और अधिकार के लिए उन्होंने लड़ना सिखाया, इसलिए वो बहन कुमारी मायावती हैं। मनुवाद और समाज को बांटने वालों के खिलाफ वो पूरी ताकत से खड़ी रहती हैं, इसलिए उनका नाम बहन कुमारी मायावती है। जो मिशन ज्योतिबा फुले पेरियार, साहू जी अम्बेडकर और कांशीराम जी ने चलाया, उसको निरंतर बिना रुके बिना थके आज तक आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जो हमारे समाज के नेता है वो कोई भी ऐसा नहीं कर पा रहा है। हम कई नेता ऐसे देखते हैं जो बात तो करते हैं बाबा साहब की, लेकिन जब नाम आता है बाबा साहब का, जब काम आता है, वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन बहन जी आज तक पीछे नहीं हटी, अपनी सत्ता तक हटा दी लेकिन वो अपने काम से पीछे नहीं हटी है। ओबीसी समाज के लोग बैठे होंगे, ओबीसी समाज को अगर 27% आरक्षण मिला तो वो देन सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के है। अगर बहुजन समाज पार्टी ना होती तो ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिलता, क्योंकि कभी मंडल आयोग लागू ही नहीं होता। मंडल आयोग लागू कराने में जितना रोल माननीय साहब का था, इस देश में किसी का भी नहीं था। इसलिए ओबीसी समाज के जितने भी हमारे भाई आए हुए हैं, वो भी ये मान के चले कि उनकी ताकत सिर्फ बहुजन समाज पार्टी और कोई भी नहीं है। अगर उनका आरक्षण आगे 30% होना है, 35% होना है या 52% होना है, या जो आरक्षण की नौकरियां उनकी बाकी है जो आज तक उनको नहीं मिली है, हमारे विजय सैनी जी जरूर समझते होंगे इसको, अगर उनको नहीं मिली है तो वो ताकत सिर्फ बहुजन समाज पार्टी आपको देगी और कोई भी पार्टी नहीं देगी, क्योंकि वो धीरे धीरे सबको प्राइवेटलाइज कर देंगे और आपको एक भी जगह नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा, लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत प्रेत भाग जाते हैं। हम सभी कहते हैं, पन्ना लाल जी भी कहते हैं, सारे लोग कहते हैं कि भाई भूत प्रेत भाग जाते हैं। पता नहीं भागते कि नहीं भागते, किसी ने भूत देखा तो है नहीं। लेकिन ये बात सच है कि अगर बहन जी का नाम कहीं आता है तो जो मनुवादी ताकते हैं, जो मनुवाद का सोच रखते हैं, जो संविधान के खिलाफ है, वो जरूर भाग खड़ी होती है। मतलब ताली बजाने की और हंसने की बात है, सच बात है। आज अगर देश की सत्ता हमारे सिर्फ 15-16 सांसद हैं, कांग्रेस के 50-60 सांसद हैं, राज्यसभा में कांग्रेस के पास बहुमत है, उसके बावजूद भी बीजेपी से एक इंच भी नहीं डरती है और न ही आधा इंच पीछे हिलती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जब नाम आता है, बहन जी का जब नाम आता है, तो बीजेपी बैक फुट पे आ जाती है। उसका कारण क्या है? बहुजन समाज पार्टी नहीं, उसका कारण एक ही नाम है, बहन कुमारी मायावती। लेकिन उन्होंने अपनी हार जीत नहीं देखी, उन्होंने समाज को आगे लाने का काम करा, उनको डर निकालने का काम करा। ये काम बहन जी ने उस उम्र में करा जिस उम्र में हम शायद अपनी माँ और बहन को, छोटी कोई लड़की हो बेटी हो, उसको हम बाहर भी नहीं निकलने देंगे उस टाइम पे। उस टाइम जाके उन्होंने 7 बजे अपना नॉमिनेशन करा, क्योंकि 9 बजे उनको मालूम था कि अगली जाति के लोग उनको नॉमिनेशन ही करने देंगे। ये उनके खुद के वर्डिंग है, उन्होंने जो मेरे को बताया, ये बहन जी ने अपने मुंह से मेरे को बताया कि उनको मालूम था कि 9:30 बजे उनको जो है कोई नॉमिनेशन नहीं करने देगा, इसलिए उन्होंने 7 बजे जाके जैसे ही वो कार्यालय खुला उन्होंने अपना पहला नॉमिनेशन करा। और बहुजन समाज पार्टी को 1300 वोट मिले, जहां पे बहुजन समाज एक वोट डालने की ताकत नहीं रखता था, जहां एक वोट डालने की ताकत नहीं रखता था, वहां 1300 वोट मिले। तो वो सिर्फ उस नाम की ताकत थी, उस नाम की जीत थी कि वहां नेक्स्ट टाइम बीएसपी जीती भी, और आज तक जीतती आ रही है। उसके बाद बीएसपी वहां हरी नहीं करी। ये ताकत उनको हम दे सकते हैं, आप और हम सारे लोग मिलकर दे सकते हैं। जब तक हम नहीं मिलेंगे, हम नहीं समझेंगे, हम छोटे छोटे दलों में बढ़ते रहेंगे, छोटे छोटे नेता खड़े करते रहेंगे,
तब तक समाज की यही स्थिति रहेगी। आज सुरेंद्र जी ने इतना बड़ा प्रोग्राम करा, इस प्रोग्राम की जो अहमियत है वो अगर बहुजन समाज के लोग समझते तो मेरे को लगता है कि आज कम से कम यहाँ 1000 लोग होने चाहिए। आज 1000 लोग यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आज भी हम भटके हुए हैं। हमें उस भटकाव से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें ये मानना पड़ेगा कि अगर हमें आगे आना है, अगर अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना है, कुछ चीजें जो देश में होनी चाहिए और वो नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको बहुजन समाज पार्टी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने आज तक केंद्र में कभी भी सत्ता में भागीदारी नहीं ली, सब पार्टियों ने भागीदारी ली है, कांग्रेस ने भी ली है, बीजेपी ने भी ली है, जब इनकी सत्ता नहीं होती है तब, जब सत्ता में होते हैं तो इनके प्रधानमंत्री होते हैं, इन्होंने सबने ली है, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने आज तक कभी सत्ता में भागीदारी नहीं ली केंद्र में। आप लोगों को मालूम है क्यों? वो इसलिए कि बहन जी को मालूम है कि जिस दिन मैं भागीदारी लूंगी मेरे लोग कमजोर हो जाएंगे, जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बनूंगी उस दिन ये ताकतवर हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने आज तक भागीदारी नहीं। अगर वो जो बात करते हैं लोग कि वे बहन जी मिलती नहीं है, पैसे वालों से मिलती है, अगर उनको पैसा ही चाहिए होता, समाज नहीं चाहिए होता, तो अभी तक इस देश में 4 बार केंद्र की सरकार में बहुजन समाज पार्टी की भागीदारी होती और आज भी होती, लेकिन उन्होंने मात्र समाज के लिए उसमें भागीदारी नहीं। अगर मैं भागीदारी लूंगी मेरा समाज पीछे चला जाएगा, क्योंकि फिर प्रधानमंत्री का नंबर कभी नहीं आएगा। दूर दराज से आए सभी बहुजन समाज के सम्मानित साथियों को SM न्यूज ने सम्मान देकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। समस्त मीडिया ने पूरी लगन के साथ इस कार्यक्रम का कवरेज किया और हर वर्ग, हर देशवासी और विदेशों तक इस कार्यक्रम का प्रचार और प्रसार किया। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।